Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. आज बेहद कुछ लोगों की फरमाइश थी कि जी आप 250 CB ट्विस्टर नहीं चलाते, तो आज मैं उसकी राइड पर हूँ व्यूअर्स। और काफ़ी दिन हो गए, और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ जी। बड़े दिन हो गए, लुक नहीं दिखाई, पहले दिखाते हैं लुक और फिर होती हैं बाकी बातें बाद में। ओके, मैं हूँ 9th Avenue पे व्यूअर्स, और यहाँ मैं रोक के आपको दिखाता हूँ। बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, ये आपको पता ही है। ये है लुक व्यूअर्स। और एक चीज़ है ना, इसकी टैंक पैड मुझसे गलत लग गया था, जो मैंने अब दोबारा लेके और नया लगाना। मैंने इसको इनफैक्ट यहाँ फिट कर दिया था ऊपर, लेकिन ये जगह टच होती थी मेरी जैकेट की जेब, फिर उतार के नीचे किया तो ये चिप ऑफ हो गया। अच्छा जी, तो बहुत दिनों बाद आज राइड कर रहा हूँ। बस वैसे ही होता मेरा, ये होता है कि एक बाइक जब राइड करूँ तो वही करता जाता हूँ, तो और कोई ख़ास वजह नहीं। आएंगे इसकी राइड जब मौसम तो बहुत आइडियल हो गया। लॉकडाउन के सिचुएशन जो है कुछ रिलैक्स हुई है, लेकिन फिर भी कोई सेफ नहीं है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली बाइक में उस तरह डिस्टेंस ही होता है, बंदा ना ही साथ बैठा होता है, गाड़ी में तो बल्कि फिर वो साथ बैठे होते हैं, इससे बेहतर है। फिर भी मतलब गाड़ी से बेहतर है, आपका डिस्टेंस है गाड़ी में, आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए 5 फुट या 6 फुट वो गाड़ी में कहाँ होता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं पहले बता दूं, मैं 9th Avenue पे हूँ और दिन है फ्राइडे। आई एम गोइंग टू वर्क, और आज मैंने सोचा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस पर जा रहा हूँ वर्क पे, वरना मैं नहीं जाता होता। लेकिन ये कि बहुत दिन हो गए थे, एक तो मुझे ये भी था कि स्टार्ट हो के ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट सेल पर स्टार्ट हो गई, क्योंकि ड्राई बैटरीज जो होती हैं वो इतनी जल्दी जाती नहीं हैं। तो ये है, मौसम आइडियल। अगर किसी ने जैसे कहीं जाना है, वैसे खैर बगैर वजह के तो बिल्कुल भी नहीं जाए, लेकिन अगर जाना ही है तो आइडियल है मौसम बाइक के हिसाब से। अच्छा जी, खैर मैं बिल्कुल जा रहा हूँ स्लो, दिल तो चाह रहा है थोड़ा सा रेव करूँ, थोड़ा सा रेव करके देखूँ, तो चलें थोड़ा सा करते हैं, अब करते हैं। इनफैक्ट मैंने टर्न भी एक जगह से लेना, मुझे मैं आगे ही ना निकल लूँ, इसको तो खैर इशारा चाहिए। अच्छा नहीं, अभी है आगे। यहाँ से टहल लेना, मैं
ये काफी दिनों बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपको मैं लुक दिखाऊंगा। खैर शॉप्स का भी बताऊंगा फिर किसी दिन कि कौन कौन सी खुलनी है। जी वाह बड़ा मजा आ रहा है। आज तो खैर आपको लोकल राइड ही करा रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह जल्द कराऊंगा क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों नहीं। रोज़ों की वजह से या तो ये कि अफ्तारी साथ हो और कहीं का कोई हो तो वो फिर आपको मैं करा सकता हूँ सर वो किसी दिन, लेकिन फिर ये कि वो नाइट टाइम की वीडियो होगी वो आपको फिर थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा। नाइट में ऑब्वियसली उस तरह नज़र नहीं आता, यानी नाइट यूं के अफ्तारी के बाद वाली राइड नहीं मैं दिखा सकूंगा। हाँ पहले ज़रा वो पहले वाली कोई दिखा दूंगा। के यहाँ से हमने जाना है लेफ्ट। ये रोड आमतौर पर व्यूअर्स बिजी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राई पोर्ट है यहाँ पे। तो आम तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल भी होना पड़ता है बस। यानी ज़रा स्पीड आप नहीं दे सकते, टर्न लेने वाले फ़ौरन निकल आते हैं, क्रॉस करने वाले भी बस समझे निकल ही आते हैं। अच्छा बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ से उठाएं ये बाइक उठती है। मज़ा आता है। लास्ट तो मैंने आपको पता कि 70 काफ़ी चलाई, 70 के बाद CG 125 चलाएं तो लगता है कि आप कुछ सुपर बाइक पे आ गए। तो इस तरह की बाइक को एंजॉय करना तो आप वाकई छोटी बाइक्स भी चलाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड असल में चाह रहे थे कि जी मैं शेयर करूं इसकी राइड और इंशाल्लाह मैं भी इसका पूरा रिव्यू लाऊंगा कि मैंने अभी तक जो चलाई कैसा पाया। तो ये आज खैर शॉर्ट सी थी वीडियो। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।